दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉर्ल बायोलॉजी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सी एस आई या जे आर एफ लाइफ साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो कौन सी स्किप कर सकते हो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन कौन सी यूनिट्स को प्रिपेयर किया था और मेरा एग्जाम फर्स्ट अटैम्प में क्लियर हुआ था यू कैन रेफर दोज यूनिट्स जो मैंने रेफर की थी इफ़ दैट विद वीडियो कैलिबो सो टू बिगिन विद लेटस डिसकस फर्स्ट द सिलेबस ऑफ सी एस आई आर जो सी एस आई आर का सिलेबस है फॉर लाइफ साइंस एग्जामिनेशन लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल थर्टीन यूनिट्स आद हैं नेमली मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रैक्शन बेसिकली बायो केमिस्ट्री की यूनिट है देन वी हैव सेल बायो मोल बायो सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन डेब बायो सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल बेसिकली प्लांट फिजिलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी इन्हेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स दैन डाइवर्सिटी इकोलॉजी एवोल्यूशन अपलाइड एंड मैथड्स मैथड्स यानी टेक्निक्स वाले यूनिट तो ये सारी के सारी यूनिट्स होती हैं जो आपको प्रिपेयर करने का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इनमें से यूनिट्स प्रिपेयर कर सकते हो नाउ मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम थर्टीन की थर्टीन यूनिट्स हम प्रिपेयर कर लें तो चलेगा क्या बेशक चलेगा बट अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ कर लो थर्टीन यूनिट्स तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे है ना क्योंकि थर्टीन यूनिट्स और आपके पास टाइम कितना है छः महीने का या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्वेल्व मंथ्स यानी कि एक साल का तो इस टाइम में आप अगर थर्टीन यूनिट्स कर भी लेते हो तो भी आप मतलब जब रिवाइज़ करोगे तो कैसे करोगे और इतना सारा कुछ आपको याद रखना है इतने सारे पी वाई के करने हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा आपको स्मार्टली इस चीज़ को प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिट करनी है कौन सी यूनिट आपकी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिसमें आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते यानी कि आपको स्मार्ट लर्निंग करनी है सिर्फ लर्निंग नहीं करनी है सो फॉर दैट मैंने कौन कौन सी यूनिट्स प्रिपेयर की थी फॉर सी एस आई आर लाइफ साइंस का एग्जाम बट उससे पहले कोई भी यूनिट जो मैंने प्रिपेयर की थी वो 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 हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर नहीं की थी दैट मीन्स कोई भी ऐसी यूनिट नहीं थी जिसके मैंने हर टॉपिक को कवर किया था कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर यूनिट में जो कि सी एस आई आर में ज़्यादा पूछे जाते हैं यानी कि हमें पता होता है कि इस टॉपिक से आ, एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा तो उसको तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, है ना उसमें अपनी जान डाल दो उसको समझना ही समझना है बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से सी एस आई आर में आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है तो ऐसे टॉपिक्स को स्किप करना चाहिए ऐसे टॉपिक्स में टाइम इन्वेस्ट करना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम तो वो जो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं या जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और आउटपुट बहुत कम है यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक में स्किप कर देती थी अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं लेकिन वो ईजी टॉपिक है तो मैं उससे तो कवर कर लेती थी क्योंकि उसमें इनपुट कम जा रहा है और आप, आपको आउटपुट मिलने के चांसेस है बट वो टॉपिक्स जो बिल्कुल नहीं पूछे जाते या वो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा मुश्किल है उनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप स्किप कर सकते हो सो so, जो टॉपिक्स जो यूनिट्स मैंने रेफर की थी जो नाइन यूनिट्स मैंने तैयार की थी उनमें आती है सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स देन प्लांट फिजियोलॉजी मैंने अच्छे से की थी प्लांट फिजियोलॉजी दो आई एम एस बॉलोजी स्टूडेंट मैंने एनिमल फिजियोलॉजी ना करके प्लांट फिजियोलॉजी की थी उसका रीज़न मैं बताऊंगी मैंने डेव बायो किया था सेल सिग्नलिंग किया था सेल सिग्नलिंग uh, में मैंने इम्यूनो का पार्ट स्किप कर दिया था वो भी मैं हम रीज़न डिस्कस करेंगे देन मेथड्स का मैंने किया था मेथड्स यानी टेक्निक्स वाली यूनिट मैंने की थी एवोल्यूशन किया था एंड इकोलॉजी वाली यूनिट की थी अब दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि मैंने प्लांट फिजियोलॉजी क्यों किया एनिमल क्यों नहीं किया और दूसरा मैंने इम्यूनो क्यों नहीं किया देखो इम्यूनो अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है आप इसकी यूनिट का जो फ्रेमवर्क है वो देखोगे ना जो इस चैप्टर का फ्रेमवर्क है इम्यूनो का फ्रेमवर्क उसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो आपका टाइम बहुत लगेगा एंड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें से आते नहीं है आते हैं क्वेश्चन बट कम आते हैं ठीक है तो इतना मुझे लगा नहीं कि इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है Uh, मैंने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया था बट अगर आप चाहते हो तो सेक्शन बी के लिए आप इसको थोड़ा बहुत करके जा सकते हो ठीक है नाउ कमिंग टू प्लान फिजियोलॉजी अगर आप सी का एग्जामिनेशन का पेपर देखोगे ना तो नेट का तो उसमें जो प्लान फिजियो का जो पार्ट होता है वो काफ़ी इजी आता है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मतलब प्लान फिजियो इज़ इम्पॉर्टेंट यूनिट सी एस आई को अगर कंसिडर करें एनिमल फिजियोलॉजी से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं आते आते हैं पर वो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से वो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होएगी तो मैंने ये डिसाइड किया था हालांकि मैं जोआलॉजी की स्टूडेंट हूँ बट मैंने ये डिसाइड किया था कि एनिमल फिजियोलॉजी को मैं स्किप करूँगी एंड uh, जो प्लांट फिजियोलॉजी है क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक भी आते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं स्कोर कर पाऊँगी तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी रेफर की थी देन यूनिट्स जो मैंने नहीं प्रिपेयर की थी देखो काफ़ी सारे रीज़न्स थे मैंने क्यों नहीं प्रिपेयर किया किसी यूनिट को कुछ एक दो यूनिट तो ऐसी थी जिसमें मैंने कोशिश की थी उसको प्रिपेयर करने की आई गिव इट अ शॉर्ट बट इतना मुझे लगा नहीं कि फ्रूटफुल हो रहा है तो मैंने एंड में गिव अप कर दिया था तो ऐसी भी यूनिट्स नहीं हैं तो उनमें आता है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी यानी कि एनिमल एनिमल फिजियोलॉजी इसमें बेसिकली ना ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है इट्स नॉट एनिमल का फिजियोलॉजी दैट दे आस्क मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द हाई लाइट ऑफ दैट यूनिट देन वी हैव मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन बेसिकली जो सेल बायो होती है सॉरी सेल्वायोनी बायो केमिस्ट्री जो होती है वो देन इम्यूनो मैंने बताया वो मैंने नहीं कवर किया था डाइवर्सिटी मैंने कवर नहीं की थी एंड अप्लाइड बायोलॉजी मैंने कवर नहीं की थी अब ये जो मैंने यूनिट्स बताई हैं जो मैंने कवर नहीं की थी ऐसा नहीं है कि मैंने इनको बिल्कुल छोड़ दिया था देखो स्मार्ट लर्निंग में यही चीज़ होती है अगर मान लो मैं तीन चार यूनिट्स ऐसी हैं या कितनी हैं यहाँ पे पांच पांच ऐसी यूनिट्स हैं या सब यूनिट्स हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ दैट डजेंट मीन कि मैं एकदम ही नूब होकर चली जाऊँ उनके अंदर ठीक है जैसे मुझे पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है एक या दो क्वेश्चन रेस्पिरेशन से हंड्रेड परसेंट आते हैं और ये टॉपिक इतना भी बड़ा नहीं है ये बहुत छोटा टॉपिक है तो मैंने क्या किया था मैंने रेस्पिरेशन कवर कर लिया था ठीक है एंड मैं जोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म वाली यूनिट है उसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो थो है थोड़ा बहुत तो नहीं मतलब ज़्यादा ही आइडिया है अगर मान लो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो फिर हंड्रेड एंड टेन परसेंट को क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा क्योंकि मेरी बी एस इसी सब्जेक्ट में जोलॉजी में है तो डाइवर्सिटी में से जो जोलॉजी वाला पार्ट है इसमें जोलॉजी बॉटनी दोनों पार्ट होते हैं तो जो बॉटनी या जोआलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसे ना भी टच करें और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हिंट आपको मिल जाता है तो फिर आप इसको ईजीली कर सकते हो तो मेरे लिए भी ये इजी हो गया था डाइवर्सिटी वाली जो यूनिट है मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया था सी के लिए बट इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे बन गए थे एग्जाम में क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग या इस तरीके के क्वेश्चन थे जिसमें हिंट मिल रहा था देन वी हैव बायोलॉजी इस यूनिट में सीन ये हुआ था कि मैंने ये पढ़ी कंप्लीटली पढ़ी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ी इसके नोट्स बनाए मैंने इसके जब पी वाई सॉल्व करने शुरू करे ना मुझसे हुए ही नहीं सॉल्व तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से मैंने पढ़ा हालांकि मैंने एक अच्छी जगह से पढ़ा था जहाँ पे मतलब बाकी यूनिट्स अच्छे से कराई गई हैं ये वाली यूनिट जब मैंने उनसे पढ़ी नोट्स बनाए अच्छे से बनाए रिवाइज किया एंड देन पी वाई पर मैंने स्विच किया तो मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहे थे तो इसका ये मतलब है कि जो मेरे नोट्स हैं वो रेलिवेंट ही नहीं है इस यूनिट को कवर अप करने के लिए अब पॉइंट ये हो सकता था कि मैं कहीं और से वापस से इसको पढ़ती या फिर मैं इसको स्किप कर सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी नाइन यूनिट्स कर रही थी सो आई डिसाइडेड कि मैं इस यूनिट पे गिव अप कर दूंगी, मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ मैंने एक बार रिवाइज कर लिया मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आई गिव अप इस यूनिट पर सो so, इससे हुआ क्या अगर मान लो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता भी जो इसके इस यूनिट से बेसिक क्वेश्चन होता तो मैं उसको कर पाती अभी मुझे इस टाइम पे याद नहीं है कि इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था हालांकि इस यूनिट से क्वेश्चन भी कम ही आते हैं मुझे ऐसा लगता है मतलब जिस हिसाब से मैंने पी वाई क्यूज़ किया उसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सीखे नहीं या ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मुझे आते नहीं थे तो मैं स्किप कर देती थी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते वो आप देख लेना आते नहीं आते बट मैंने ये यूनिट स्किप कर दी थी पढ़ने के बाद तो ये सारी यूनिट्स हैं जो मैंने स्किप की थी एंड जो मैंने पढ़ी थी सो दैट वॉज इट गाइड एंड अदर देन देट अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं पो, पोस्ट करती रहती हूँ रिव्यू वीडियोज़ जो होती हैं उनके भी ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हो मतलब वीडियो जो होते हैं उसका ही रिटर्न फॉर्म में कॉन्टेंट भी है एंड देन मेरे जो नोट्स हैं वो भी मैं इसी ब्लॉग पर अपलोड करूँगी सो so ये वाला जो ब्लॉग है अनफोल बॉयलॉजी का आप इस पर जा सकते हो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं हों दैन यू कैन मेल मी एट दस आई टी ठीक है मेल आईडी मेरी ये है एंड इन सबके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट वाज इट आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन शेयर विद द फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय